we are celebrating, as everyone can see, Rose Day with you. So just tell me, how are you feeling? I'm very excited. Let's see Meghna kitni khush hoti hai jab main use rose deta hu. And wo andar hi hai, so let's go. Let's go. Yeah. Are you ready? I'm ready. Okay, let's. Meghna, अजी सुनते हो? And she's ready. I've got something for you, Meghna. Guess क्या हो सकता? अब तो इतनी अच्छी डेट के बाद, इतने सरप्राइजेस के बाद, अब क्या हो सकता है? बोलो. Tan-tan. Oh my God. तुम्हारे लिए. Thank you. Happy Rose Day, topper. Oh, is it? Yeah. Rose Day? जी, आज Rose Day है. कुछ याद नहीं रहता इस लड़की को यार. मेरा Rose कहाँ है? Where is my Rose? कुछ याद नहीं रहता वाले. ये रहा तुम्हारा Rose. Oh, that's really sweet. Thank you. Okay. I like it. ऐसे कुछ याद नहीं रहता है मतलब. मुझे लगा थोड़ी भुलक्कड़ है ये, but हाँ. Come sit. महंगा वाले इसमें कुछ भी आती है. हाँ देखो सच्ची. सुन लिया मैंने अच्छे. ये भी अच्छा है वैसे. मेघना इतनी रोमांटिक नहीं है बट हाँ ऐसा कुछ कर रही है. हाँ मतलब इतना कुछ कर रही है सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर हर. सो या कुणाल इज रियली हैप्पी. स्कूल में सुना था रोज डे जैसा कुछ होता है. सुना था कुछ कभी मनाया नहीं, नहीं कभी कभी किसी लड़के ने दिया नहीं. यू नो मेरे साथ एक फनी चीज थी. ये डाउट्स क्या कि किसी लड़के ने मुझे नहीं दिया होगा. नो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड. व्हाट हैड यू नो ये हमेशा होता था. बहुत फनी है बट लोग शायद डरते थे मुझे ऐसा लगता है. डायरेक्टली आके किसी की हिम्मत हुई नहीं. ऐसे फ्रेंड्स के थ्रू ऐसा आ गया और देखा मैंने अच्छा ठीक है तो क्या मतलब ओके. लेकिन किसी ने कभी डायरेक्टली दिया नहीं. मैं एक्चुअली ये बोलने ही वाला था. ये देख के ना ऐसी लगती है कि नहीं भाई डर लगे इसके पास जाने में. इसको नहीं देना कुछ. तो हाँ लोगों ने रोज देने भी है लेकिन हिम्मत नहीं आके. मैंने गेस कर लिया. आई एम वेरी स्मार्ट यार. मैं रियल लाइफ में इतना रोमांटिक रहा नहीं हूँ बट हाँ मतलब मैंने कोशिश ज़रूर करी है रोज. एक मेरी गर्लफ्रेंड थी व्हेन आई वाज इन 12th और 11th आई गेस. हाँ तो जब भी उससे मिलने जाता था तो मैं एक 10 रुपये का रोज लेकर जाता था. तो मैं ट्राई करता था थोड़ा रोमांटिक बनूँ. हाँ एंड शी यूज़ टू लव इट. कभी मैं पिंक लेकर जाता था कभी रेड. तो हाँ वो मतलब जो उसको खुशी मिलती थी ना उसके चेहरे पे देख के तो दैट वाज लाइक यार लड़कियाँ इतनी छोटी सी मतलब एक रोज में ही खुश हो जाती हैं. तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट गर्ल्स. बहुत नाउ नॉट रियली अंडरस्टूड. लड़कियों को समझना तो इम्पॉसिबल है बट हाँ एक चीज़ की वो छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हैं. लड़कों को बहुत कुछ चाहिए होता है बट हाँ लड़कियाँ सिंपल होती हैं. नहीं सिंपल नहीं भी होती होती भी हैं और पता नहीं बट हाँ रोजेस से खुश हो जाती है इतना मुझे पता है. मेरा फेवरेट डे टेडी डे हो सकता है. या आई लव रोजेस लव फ्लावर्स बट मुझे लगता है टेडी डे. चलो टेडी डे कब है बताओ. टेडी भी मिल जाए मी. शर्मा गया मैं तो. लड़के हम यूजुअली किस डे के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं. रेड यार कितने सारे तो मैं भूल गई. मेरे को तो अभी एक बहुत फन एक लाइन मुझे किसी ने लिखी कि यूर हे मिस्टर तांत्रिक तुमने तो मुझ पर जादू कर दिया. अभी परसों की बात है शायद. सच बोल रहा हूँ. सो दैट वाज लाइक वेरी क्रिएटिव. हैव यू एवर यूज्ड. No. आई एम नॉट चीजी. मैं बहुत सिंपल हूँ. नहीं मुझे लगता है नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं है. चीजी नहीं. नहीं 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 नहीं. और चीजी लाइंस पसंद भी नहीं है यार. ऐसा कोई बोले भी तो टर्न ऑफ ही हो तो. मजा आएगा ये राजपाल यादव के साथ. अमेजिंग कॉम्बिनेशन. हाँ हाँ आई कैन इमेजिन यू एंड राजपाल यादव. सोच लो मैं भी ऐसा कुछ उठपटा नाम ले लूंगी. अच्छा रणबीर कपूर. मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद है. तो यार प्रियंका चोपड़ा बोलो बोल रहे. नहीं 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 जिसके साथ ही डेट पे जाना चाहेंगे. मैंने ऐसे बोला पूछा मैंने नाम बताऊं क्या. नहीं नहीं शाड़ा बोल देती हूँ. अब तो मेरा मन कर रहा है राखी सावंत के साथ. ओ जीसस सेव मी.
मैं सबसे पहले एक पूरा दिन प्लान करूँगा मॉर्निंग से लेकर रात तक, जिसमें मैं सारी चीज़ें इनकी प्लान करूँगी कि ये क्या पहनेंगी, कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी। हाँ, तो रात को एक अच्छा सा रोमांटिक डिनर, और उसके बाद आई गो डाउन ऑन माई नीज एंड अच्छे से कुछ रिंग पहना के और कुछ आई प्रपोज। थैंक्स हाँ, थैंक्स। ये डांट कर बोले Like seriously, I love you. तुम्हें समझ नहीं आता क्या? No, ऐसे सिंपली जाके बात कर लूंगी। अच्छा, ऐसा फील कर रही हूँ तो अच्छा, इतने गट्स नहीं है इसमें, ये सीधा जाके बोल ले। नहीं, क्यों नहीं बोल सकती? नहीं, सिंपल है यार, अगर ऐसे कुछ फील कर रहे हो तो सी लिसन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही है एंड आई थिंक आई लव यू। ये कोई मुश्किल काम नहीं है करना। अच्छा लगता है बेटा, बोलना बहुत आसान है। बोलना बहुत आसान है। अच्छे से मनाओ यार, जिसके साथ भी हो, जो भी तुम्हारा पार्टनर है, जस्ट रिस्पेक्ट हिम और हर और अच्छे से रहो, चीट मत करो एंड एंजॉय योर डे। यार वैलेंटाइंस तो ऐसे सिर्फ एक दिन, मैं नहीं मानता कि सिर्फ एक दिन, मेरे को इतना कोई शौक नहीं होता वैलेंटाइंस डे का। अगर हो साथ में तो रोज अच्छे से इंजॉय करो जब टाइम मिले। शूट से टाइम तो मिलता नहीं वैसे हमें, बट आपको मिलता तो आप तो जाओ यार, अच्छे से इंजॉय करो उसे। जस्ट मेक हर, मैं तो लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, सो मेक योर गर्लफ्रेंड फील स्पेशल यार, गिव ऑल द लव यू कैन, बी अ नाइस गाय। सो स्वीट। वैलेंटाइन ऐसा मैं बिल्कुल मान के नहीं चलती हूँ। मुझे लगता है कि आप चाहो तो हर दिन वैलेंटाइन हो सकता है। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि 24 घंटे आप किसी के साथ में हो। आपको अगर 2 मिनट भी मिलते हैं, वो क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन क्वान्टिटी। इन्जॉय योर सेल्फ, हैव फन एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। Happy Valentine's Day in advance. Hi, this is Sangeeta. You're watching me on Glitz Vision. Do subscribe.